ये देखो दोस्तों, ये है मेन झरना। तो जोधपुर में हो दोस्तों, जोधपुर में इस जगह को आपने नहीं देखा है तो जरूर आना। ये जगह है अपने दहीजर के पास में बेरी गंगा तीर्थ। और यार दोस्तों भाई साहब, ये देखो अभी सनसेट हो रहा है। सनसेट के टाइम में देखो कितने जबरदस्त लग रहे हैं यार। फाइनली भैया अंत में अपन आए हैं बेरी गंगा महादेव मंदिर के अंदर। हेलो जी, नमस्ते नमस्ते फ्रॉम बेरी गंगा जोधपुर। बेरी गंगा तीर्थ है दोस्तों, और यहाँ पे अभी है ना हम लोग आए हैं अपने जोधपुर के अंदर। जोधपुर से लगभग ये 15 से 20 किलोमीटर दूर है मंडोर की साइड में, और बहुत ही प्यारा नज़ारा अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन इस प्यारे से झरने के अंदर। तो आप ये देखो, ओह माय गॉड, कितना ज़बरदस्त झरना चल रहा है और लोग काफ़ी तादाद में हैं। ये आप इतनी सारी गाड़ियाँ देख के पता कर सकते हो। देखो ओह माय गॉड, ज़बरदस्त। यहाँ तक आने के लिए दो तीन रास्ते थे। एक तो आप जैसे कि अपना मयूराक्षी कॉलेज है, उससे पहले जो पुलिस लाइन है वहाँ से आप आ सकते हो, और एक अपना मंडोर से थोड़ा सा आगे जाते टाइम अग्निशमन वाला जो ऑफिस है उसके पास में जो रास्ता जाता है वो वाला रास्ता अभी ओपन है। तो अभी आपको नज़ारे दिखाते हैं। ये देखिए बेरी गंगा तीर्थ है अपने जोधपुर के अंदर, यहाँ पे हम लोग आज आए हैं। और ये देखो ऊपर पहाड़ी पे अभी अपने को चढ़ना है, और यहाँ पे मंदिर भी है भगवान महादेव जी का और माता जी का। तो चलते हैं झरने के पास में और आपको दिखाते हैं इस जगह के बारे में पूरा। दोस्तों अभी शाम के 6 बजे हैं, और सही में ये जो जगह है पूरी पहाड़ियों से घिरी हुई है, और सच में यहाँ पे आने के बाद ही पता चला कि वहाँ से कितनी खूबसूरत जगह अपने जोधपुर के अंदर भी है। सच में चारों तरफ आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ से पहाड़ी शुरू हो जाती है, और हल्के हल्के मतलब छोटे छोटे झरने उधर की साइड में है, पर जो मेन झरना है वो अभी अपन ये छोटी सी पहाड़ी इसको ट्रैक करेंगे, ऊपर की तरफ चढ़ेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो के अंदर बने रहना है और इन नज़ारों का आनंद लेना है। ज़बरदस्त यार, गजब गजब। ये देखो यहाँ पे देखो हल्का हल्का पानी आ रहा है, और ये देखो कितनी मस्त ज़बरदस्त पहाड़ी है। आराम आराम से चलना पड़ेगा, नहीं तो भैया गिर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो जोरदार जोरदार। और यार दोस्तों भाई साहब, मेरे को ऐसे लग रहा है आधा जोधपुर है ना इधर ही है। देखो यार, और ये पहाड़ी देखो, पहाड़ी के ऊपर अभी लोग हम पहुंच चुके हैं। गाड़ियाँ देखो, गाड़ियों से पता चलता है कि कितने लोग आए होंगे। और ये देखो गजब तो हरियाली, माय गॉड। अभी एक बार आपको मज़ेदार चीज़ दिखा दें, ये देखो झरना। ओ भाई साहब, हालांकि अपन नहाएंगे धोएंगे नहीं वहाँ पे, बहुत ही रिस्की है, बहुत ही मतलब चिकनी पहाड़ी है ना। गजब यार गजब। ओ भाई जी, ओ भाई इसमें यार आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, आंखों पे। ये देखो नज़ारे यार, ज़बरदस्त यार ज़बरदस्त। अभी आपको झरने के एकदम नज़दीक लेके जाएं, उससे पहले एक बार ये नज़ारे दिखाएं। ओ माय गॉड, ज़बरदस्त यार। शब्द कम पड़ रहे हैं क्योंकि शब्द है ही नहीं, इतनी खूबसूरत जगह देखने के बाद में शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है दोस्तों। ये देखो माय गॉड, देखो दोस्तों ये बढ़िया मत, पीछे से पहाड़ों से ये पानी आ रहा है, एकदम नेचुरल पानी है। और भाई साहब फैमिली के साथ में, देखो फैमिली के साथ में खूब लोग पिकनिक पे आए हुए हैं यहाँ पे। मज़ेदार जगह है यार, मज़ेदार। अपन थोड़ा चल रहे हैं और पीछे, वहाँ पे थोड़े नज़ारों का आनंद लेके आते हैं। और मतलब कितना कितना अंदर से पानी आ रहा होगा पता ही नहीं है यार। देखो गजब पानी, गजब। ओहो, ये है भैया अपने दहीजर के पास में बेरी गंगा तीर्थ। गजब पानी है यार, देखो यहाँ पे अपन नहाएंगे। हाँ देखिए, नहा के चलेंगे भैया, सच में बहुत गहरा पानी, मिस नहीं करेंगे इसको। ये देखो कहाँ कहाँ से आ रहा है पानी पता नहीं। तो भैया अपन जा रहे हैं पानी के अंदर, ये देख लो कर ले ठंडो की। तो भाई साहब जोरदार, जबरदस्त है यार, जबरदस्त सच में।
इतना बढ़िया शुद्ध पानी पी लो बोले। ये देखो अभी सनसेट हो रहा, सनसेट के टाइम में देखो कितने जबरदस्त लग रहे हैं यार, पानी चल रहा है। और ये देखो, ओह माय गॉड, अभी भी काफ़ी फैमिलीज है यहाँ पे। 7 बज गई है, अभी आपको लेके चलते हैं नीचे जहाँ पे मेन जो ये पानी जाके एक बढ़िया सा झरना बनाता है ना, वहाँ पे लेके चलते हैं। हम तो भैया खूब नहाए, बढ़िया मस्त एकदम एंजॉय करा। और ये देखो अभी भी काफ़ी लोग हैं यहाँ। ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है भैया फोटो सेशन के लिए, और यहाँ से एक बार नज़ारा देखो यार, गजब। एक बार आपको और बता दूँ, ये जगह है अपने दहीजर के पास में बेरी गंगा तीर्थ। आप गूगल पे सर्च करोगे ना बेरी गंगा, हुक्म लोसा। फोटो सेशन ख़राब नहीं होना चाहिए, तो आपको बता रहा था ये जो जगह है ना दोस्तों पहाड़ी पे है, और नीचे है ना बेरी गंगा तीर्थ है, और ऊपर ये पूरा, अभी मैंने किसी से पूछा था 2 से 3 किलोमीटर लंबा ये पूरा पहाड़ है, तो वहाँ से ये पानी आता, पूरा झरना बनता है। और ये देखो गजब यार, ये देखो बड़े झरने से पहले एक और छोटा सा झरना, गजब। ये देखो दोस्तों ये है मेन झरना, ओ भाई यहाँ से देखो कितना नीचे ज़बरदस्त जा रहा है। ऊपर छोटा सा एक कुंड भी है भैया, वहाँ पे एक जना तैर भी रहा है। देखो ये है पूरा यहाँ से नज़ारा, देखो अभी शाम के 7 बजे, 7 बजे भी देखो कितना सुहावना मौसम लग रहा है, ये झरना गजब यार गजब। तो जोधपुर में हो दोस्तों, जोधपुर में इस जगह को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आना, बेरी गंगा। ओहो ये देखो थोड़ा सा पास से देखो आवाज़, देखो कितनी ज़बरदस्त लग रही है झरने की। आ हाँ देखा, ओहो फाइनली भैया अंत में अपन आए हैं बेरी गंगा महादेव मंदिर के अंदर। अब पता नहीं मंदिर बंद हो गया होगा, अंदर पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, बाकी बाहर से यह गेट है मंदिर का। एक बार थोड़ा सा अंदर चलते हैं, अगर अंकल जी जाने देंगे नहीं जाने देंगे। कुत्ते भोग रहे हैं भाई। इधर ऊपर बालाजी का मंदिर और उधर ऊपर है बेरी गंगा धाम मंडोर जोधपुर, मतलब अपने जोधपुर के अंदर ये इतनी प्यारी और पावन तीर्थ जगह है ना सच में। ये देखो अभी मंदिर तो शायद बंद है, यहीं से देख लेते हैं अपन। तो फाइनली दोस्तों बेरी गंगा तीर्थ धाम पे अपन पहुंच चुके थे और पूरा एंजॉय कर लिया, और अभी यहाँ पे मंदिर पे आ गए, और अब यहाँ से अपन इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। ये देख लो ये पूरा ऐसा धाम है, ऊपर बंदर भी है अंदर, ये दो कुंड बने हुए दोस्तों। आपको भी अगर ये जगह अच्छी लगी हो तो यहाँ पर ज़रूर आना, दहीजर बेरी गंगा तीर्थ धाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।